फाइनली मैंने मुझ बनाई पिछली बार की तरह. इसकी पगड़ी में भी अभी थोड़े से बाल ना निकल रहे थे यहाँ से, तो हमने थोड़े सही कर दिए. ठीक है, जब भी थोड़ी सी घबराहट हो रही है, हर एक्टर को होती है, चाहे कितने भी सीनियर हो, चाहे नए हो सीनियर हो, वो चीज़ आपके अंदर डर जो होता है वो रहता ही है हमेशा. तो मुझे भी अभी थोड़ा सा डर लग रहा है. प्रैक्टिस अभी मेरी ढंग से हो नहीं पाई स्टेज पर, क्योंकि बहुत सारा काम था, बहुत सारे बैचेज है उनको देखना था, फिर उसके बाद पगड़ी बनवाने चले गए थे, फिर कॉस्ट्यूम में टाइम लग गया. तो थोड़ा सा अंदर से नर्वसनेस हो रही है कि कैसे होगा वो पार्ट, कैसे पार्ट ऑफ लाइफ है. ये एक्टर का चैलेंज है, ये नर्वसनेस शो से आधा घंटा पहले. ऑडियंस नीचे है, स्ट्रीट पे चल रहे हैं सारे, और यहाँ पर सारे ग्रीन रूम में पीछे लगे हैं, तैयारी शुरू कर रहे हैं. नीचे देखना, ऊपर देखना, हमारा तो फिर भी इतना नहीं है. अरविंद सर को तो बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, दोनों जगह एक साथ वो देख रहे हैं, जाके वो ढंग से बैठ भी नहीं पाते. कभी लाइटिंग देखना, कभी म्यूज़िक देखना, सेट देखना, फिर नीचे जाके सब कुछ मैनेज करना काफ़ी डिफिकल्ट है. फिर पार्ट ऑफ लाइफ है. अभी प्ले शुरू होने वाला है, और यहाँ पर अभी हमने यहाँ पर सारा सेट लगाया हुआ है. ये सेट है, ये साइकिल है, ये साइकिल एक सीन में यूज़ होती है, वो काफ़ी फ़नी सीन है वो वाला. और ये हमारी दुकान है, ये दुकान का पूरा सेट है. और अभी शो शुरू होने में सिर्फ 5 से 10 मिनट बाकी हैं. ऑडियंस आ चुकी है, ऑडियंस बैठ चुकी है, और सारे एक्टर्स भी यहाँ पर तैयार हैं. सर का वेट कर रहे हैं, उनके आशीर्वाद लेके हम आगे प्ले शुरू करेंगे. और एंट्री अच्छी पे लेंगे या फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ी चेक भी देख ले. चल और अभी चलते हैं, पोजीशन पकड़ो, चल 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 चल. मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर के लिए लाइव एक्टिंग करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो आपको जीना सिखा देता है, एक पल में कैसे एकदम कोई ऐसा पॉइंट आ जाए जिसमें आपसे गड़बड़ हो जाती है कुछ है, और कैसे आप अवेयर रहकर उसको मैनेज करते हो, वो एक्टर के लिए, एक इंसान के लिए भी वो चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है. जो मुझे नहीं लगता कि आपको कैमरे के सामने वो चीज़ फील होती होगी. यहाँ आपने एक गलती को अवेयर रह के एकदम ओवरकम कर लिया ना, वो अलग चैलेंज होता है. उसके बाद जो खुशी मिलती है ना, वो शायद ही किसी चीज़ में मिलती हो. हम बस अभी आए. अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना. बस हाले देवता है देवता, कुछ तो शर्म कर. चौक पर हलवाई की दुकान, थोड़ा सा माल बटोर लाई हो पुलिस की नजर से बच के. एक लफ्ज नहीं. काकोली गौर.
ये दोनों जुड़वा बहने हैं और इस नाटक में जो संगीत दिया था डॉक्टर संगीता गौड़ ने और जिनकी आवाज़ भी आपने सुनी कि मैं सच उर्द पानी चाहिए, उसमें जो आवाज़ थी डॉक्टर संगीता गौड़ की, संगीता गौड़ इनकी माँ है। और इन दोनों की माँ का पति मैं हूँ। तो कुछ हो कैसा लगा? बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया भाई। आज की वीडियो सिर्फ यही था। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पीछे क्रेजी फैंस खड़े हैं। पिछली बार थोड़े कम थे। पिछली बार की वीडियो में आप जाकर देखेंगे तो कुछ आपको नजर आएंगे, लेकिन यहाँ पर तो आज टाइम ज्यादा हो गया, इसलिए बाकी भी नहीं है। अगले हफ्ते हम दोबारा आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी इस बार की वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।